तू अपने आप को धूमतिरी का आमिर खान समझ रहा, बैंक लूटेगा। शारजा ट्रिक सेंटर के बिल्कुल अतराफ में ये मैच खेला जा रहा है लाइव। बिल्डिंग की क्वालिटी ये है कि शारजा के जो शेख अयान बिन कयान खुद आए थे इसका इफ्तिताह करने, हराम उनके रूह को भी पता हो, मैच को रोक गया कुछ जनाना आ गए, सॉरी जनाना है मर्दाना है को समझ नहीं आ रहा। अस्तगफिरुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 4 महीने 10 दिन का इद्दत यकीनन कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर क्रिकेट में सालारी बॉय लोगों की वापसी। आज का मैच यूनी प्लाजा में खेला जा रहा है कंबाइंड 11 और सालारी बॉय के दरमियान। टॉस हो चुका है, वसीम ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया। कहानी में हो गया टॉस जीत के पहले किया फील्डिंग का फैसला, जो मुकर्रर 8 ओवरों ने मुखालिफ टीम ने बनाए 58 रन। 59 का टारगेट है, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी बैटिंग पर। आज के मैच के स्पॉन्सर है अल कादिर दस्तरखान। स्पॉन्सर ना होने की वजह से हम आज देते इस्लामी एक मैसेज, नमाज पढ़िए पाबंदी से, शैतान को भगाइए जिंदगी से। गुर्बत के दौर पर तवक्कल टेस्टी बंद कबाब, सिंगल बंद कबाब 40 रुपए में। ओ भाई दुकान गोलो में आ रहा हूँ। मैच से पहले रिफ्रेशमेंट वसीम भाई की जानिब से। टारगेट को चेस करने के लिए आए सवाले मोहम्मद ओपनर, एम्पायर वसीम, फर्स्ट ओवर कराएंगे फरहान कतरी। तनकीद की जद में ड्रेसिंग रूम, सामना करेंगे अनीस, लेग एम्पायर याया हुसैनी, पहली गेंद कराएंगे अनीस को बॉलर। बहुत ही उम्दा शॉट, कदमों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट अनीस की जानिब से, मुखालिफ को खामोश कराते हुए, मुखालिफ टीम तारीफ करते हुए बढ़िया शुरुआत दी अपनी टीम को अनीस ने। बहुत ही जबरदस्त पीएमटी में लगते हुए एक रन चुराते हुए सवाले मोहम्मद और अनीस, पहली गेंद का सामना करेंगे सवाले मोहम्मद। वाइड का इशारा देते हुए वसीम अपनी बगले पे लाते हुए, बॉल कीपर के मजबूत हाथों पर, बिलाल कतरी हलवे वाला मशहूर है इनके हलवे, एक और वाइड पाँव पे लगते हुए, दोनों बैट्समैनों के तरफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। याया स्कोरिंग के फ्राइज अंजाम देते हुए सवाले मोहम्मद, पिछले से पिछले मैच के हीरो भी थे, मैच को जिताया था सवाले मोहम्मद तैयार। बिलाल कतरी और कैच आउट हो सकते हैं और बा आसानी कैच आउट हुए। तरक्याती बिल्डिंग से खूबसूरत सा एंगल, बॉलर कतरी हलवे वाले के साहबजादे आए, ओ बल्ले का बाहरी किनारे हुए, पीछे कोई फील्डर नहीं और 2 रन जाते हुए। जितनी तारीफ की जाए यानी इसकी कम। चड्डा पहन के सेल्फियां लेते हुए, सेल्फियों का दौर, कराची का सबसे बड़ा झूठ, एटीएम 24 घंटे खुला हुआ है और अलबत्ता ये बंद है। बिलाल कतरी का आलम चलना से भी लंबा ओवर, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर अनीस बल्ले को बहुत ही अच्छा दिफाई अंदाज में खेलते हुए एक रन चुराया, दूसरे रन की कॉल और बासानी 2 रन चुराते हुए तीसरा रन भी बन सकता है और तीसरा रन चुराते हुए चोर और 4 रन। बहुत ही बढ़िया अनीस के वालिद साहब पंगड़ा डालते हुए लाइव टीवी में देख। शौकत भाई काफी खुश अपने बेटे के परफॉर्मेंस से, मुखालिफ टीम काफी परेशान। 1 ओवर 15 रन का स्कोर सचते हुए आयाशाना ड्रेसिंग रूम में माहौल। दूसरा ओवर करेंगे सलमान, काफी मोटे जिसामत के मालिक। 1 डाउन आया असम, स्टेडियम में ट्रक जाते हुए लारी जाते हुए, जो उस लारी के नीचे आएगा वो लिवारी वफसेगा। सलमान पहला गेंद कराया, बॉल को ऊंचा पेका, 1 रन बासानी बनाया, दूसरे रन की कॉल लेकिन 1 ही रन। आज के मैच के हीरो अनस अनीस, सलमान का सामना बहुत ही उम्दा ड्राइव और मिस फील्ड करते हुए 1 रन बासानी बनाया, दूसरे रन की कॉल और 2 रन बासानी चुराते हुए। मुखालिफ टीम के जो कप्तान है काफी परेशान, गुटका चबाते हुए अब तक बढ़िया खेले हैं अनस। बल्ले का बाहरी किनारा, कैच छोड़ते हुए और 2 रन समेटा। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मुझसे कुछ काम लिया जा रहा है, भाई ने कहा कि सेल्फी ले मेरी, भाई का सेल्फी लेते हुए काफी लोगों को तनकीद करते थे, फील्डिंग खुद नहीं आता इनको। अकबर अली शौकत अली के साहबजादे, ड्रोन सा एक एंगल लेते हुए, यूनिक प्लाजा आए चंडीगढ़ रोड के पास ही अतराफ में वाकिया है। काफी कदीमी इमारतें हम मौजूद है चंडीगढ़ रोड पे, जैसे अबीब बैंक प्लाजा और कुछ और प्लाजा। व्हाइट का इशारा देते सिटी कोर्ट वाला रोड। एक बार फिर सलमान गेंद कराएंगे और बहुत ही रॉकेट वाला शॉट, 1 रन बासानी बनाते हुए, दूसरे रन की कॉल और यकीनन 2 रन चुराते हुए। जितनी तारीफ की जाए इस शख्स की उतनी कम। जिम्मेदाराना इनिंग खेलते हुए, इस महंगाई के दौर में ऐसी इनिंग खेलना बड़ा नामुमकिन है। स्लो डिलीवरी और बल्ले का पुट लगते हुए 1 रन को समेटा, देखते हैं क्या होता है। काफी बहस हो रहा है इस बॉल पर, इस स्टेडियम पे हक की खुली किताब अनिल की वापसी, लेकिन आज बहुत काफी लेट। सवाले मोहम्मद की बड़ी विकेट, मोहम्मद जाबिर किया एंगल को चेंज यहाँ से कैमरा मैन करते हुए और वाइट वसीम अपनी बगले पलाते हुए वाइट का इशारा देते हुए। अरुण ट्रिक सेंटर, मोहम्मद ट्रिक सेंटर के अतराफ में यह मैच खेला जा रहा है। बल्ले का बारी, वाइट का इशारा देते वसीम, हुआ स्टेडियम पे गधे की एंट्री और उनके साथ एक कुत्ता भी था, हाँ कुत्ता भी मौजूद, कुत्ते से यकीनन समझ तो गए होंगे। एक और वाइट, काफी तवील ओवर, बच्चे छोटे से बड़े हो गए लेकिन ये ओवर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक और वाइट, फिक्स तो नहीं किया गया इस मैच को,
तारीखी इमारतों के बीच में मैच खेला जा रहा है। बहुत ही उम्दा शॉट और कदमों का इस्तेमाल करते हुए और छह रन बहुत ही ड्रेसिंग रूम में बहुत ही दाद वसूल करते हुए यादगार अपनी जिंदगी की इनिंग खेलते हुए अपनी जिंदगी की एक यादगार इनिंग भी भाई खेलते हुए दाद वसूल हुए। बहुत जबरदस्त, जूनियरों को सपोर्ट कीजिए। कबाड़ी वाले से एक एंगल बनाते हुए 2 ओवर 35 रन, बहुत अच्छी शुरुआत। शारजा ट्रिक सेंटर के बिल्कुल अतराफ में ये मैच खेला जा रहा है लाइव। बिल्डिंग की क्वालिटी ये है कि शारजा के जो शेख अयान बिन कयान खुद आए थे इसका इफ्तिता करने, हराम उनके रूह को भी पता हो। आपने देखा अननोन वैल्यूज में लगते हुए, हराम उसके रूह को भी पता हो इस चीज का। एक बार फिर अनीस अपनी यादगार इनिंग के साथ, बॉलर काफी कंफ्यूज, साइड बदलते हुए अनीस का बल्ला बोलते हुए, बल्ला बोला बहुत ही कदमों का बहुत ही अद्भुत इस्तेमाल करते हुए 6 रन। अनीस कभी इनकी टीम में हुआ करते थे, और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सिंगल डबल भी फोकस किया। ड्रेसिंग रूम काफी खुश इस इनिंग से अनीस के। असम भी अपना हाथ साफ करते हुए 130 का नुकसान कराते हुए असम का सामना करेंगे। स्लो वन करते हुए, स्लो वन को बहुत ही अच्छे अंदाज में क्लिक किया, एक रन कंप्लीट किया, दूसरे रन की कॉल। देखते रन आउट हो सकता है, बड़ी विकेट मिल सकती है, लेकिन मिस चूक गए। असम भी एक जिम्मेदाराना इनिंग खेलते हुए उठाने की कोशिश, उठ ना पाया, लेकिन एक रन कंप्लीट किया, दूसरे रन की कॉल पर एक ही रन। चाचा इस उम्र में मजदूरी करते हुए, चाचा मेहनत मजदूरी करते हुए अपना रोजी रोटी कमाने के लिए 3 ओवर 49 कितने रन चाहिए? 9 रन। ड्रेसिंग रूम का एक अय्याशाना माहौल, कप्तान वसीम काफी खुश, बॉलिंग में रद्दो बदल, थोड़ा सा एंगल चेंज करते हुए और कैच आउट हो सकते हैं, और बासानी कैच लिया। नए आने वाले बैट्समैन अब्दुल्ला का शुमार भी इनके वालिद साहब एक स्पोर्टमैन थे, साबिका फुटबॉलर अब्दुल्ला के बड़े स्पाई गुरु मोहम्मद इस टीम का हिस्सा है। एक बार फिर अब्दुल्ला तैयार, बहुत ही अच्छा ड्राइव किया, कॉन्फिडेंट झलकता है, मैच को रोक दिया। कुछ जनाना आ गए, सॉरी जनाना है मर्दाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। अस्तगफिरुल्लाह, कबाड़ी वाले से एक एंगल, अब्दुल्ला को गेंद कराएंगे, बॉलर का नाम बताया, एक वाइड का इशारा देते हुए गेंद कराएंगे अब्दुल्ला को, बल्ले का बाहरी किनारा रहता है, रन चुराते हुए रन आउट हो सकते हैं और बच गए। किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान, 30 बॉलों में 4 अंदर का, फिर भी सोच विचार कर रहे हैं कि ओवर किसको दें। कप्तान काफी नाखुश, ड्रेसिंग रूम काफी खुश, अनीस को गेंद करेंगे, बॉलर का नाम बता, 9 बॉल का इशारा देते हुए एक बार फिर खूबसूरत एंगल बनाते हुए। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे अपने जितने सब्सक्राइबर हमारा मैच देखते हैं, पसंद करते हैं, और बोल्ड कर दिया इस तरह इनिंग का खात्मा। अनीस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। नए आने वाले बैट्समैन है जाबिर, बैटिंग की आवाज के पुजारी, बैटिंग के माशाल्लाह पांव के फोड़े भी नजर आ रहे हैं, बैटिंग का फिर भी आवाज खत्म नहीं हो रहा। और तनकीद करते हुए फैसल ये सोच के आए कि छक्का मार के मैच को खत्म कर दूंगा, देखते क्या होता है। और बल्ले को किनारा लगा, बहुत ही ऊंचा शॉट और एक ही रन। जीत के लिए सिर्फ 2 रन दरकार, अब्दुल्ला स्ट्राइक पे मौजूद, स्लो डिलीवरी देते हुए बल्ले को लगते हुए 1 रन लालच स्कोर भागते हुए मुखालिफ टीम हार मान गई, और इस तरह जीत का सहरा जाता है वकी मिले। मैच खत्म नहीं हुआ, ये भगोड़े भाग रहे हैं। पूरा मैच आपने देखा, बहुत ही रोमांचक मैच था। अनीस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत ही जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए अनीस ने मैच को जीत के किनारे पहुंचा दिया। मैच आपने देखा, आप खुदारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर भाई से कोई गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मोहब्बत को इसी तरह इजहार कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और इसी तरह अपने मोहब्बत का इजहार कीजिए, नए उमंग नई तरंग और नई पलंग के साथ अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।